तो हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है एक न्यू वीडियोस में। मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं विवेक पासवान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियोस जिसमें कि आप लोगों को बताऊंगा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बातें। देखिए, आप लोग के मन में ख्याल आप लोगों को आता होगा कि मैं इतना सारे बैंक अकाउंट ओपन करता क्यों हूँ। मैं वीडियोज बनाने के लिए ही बैंक अकाउंट ओपन करता हूँ। तरह तरह का बहुत सारे ऐसे बैंक है जो की गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छे बैंक है और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे बैंक है, लेकिन लगभग मेरे पास सभी बैंक अकाउंट है। तो दोस्तों, ये आप लोग के मन में विचार आते होंगे कि मैं इतना नॉर्मल फैमिली से आता हूँ और मेरे पास इतना सारा बैंक अकाउंट आखिर है क्यों, और आखिर मैं खुलवाता क्यों हूँ और कैसे खुलवाता हूँ। तो देखिए, सिंपल सा बात है, मैं जब से वीडियोस बनाना शुरू करा तब से मुझे मन में ख्याल है कि मैं क्यों ना बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ, जो कि मुझे ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसके लिए मैं बैंक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कंटिन्यू। तो मैं बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए कंटिन्यू डे टू डे यानी मतलब कंटिन्यू मैं बैंक अकाउंट ओपन कराना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पास लगभग बहुत सारे बैंक अकाउंट आ चुके हैं जो कि मुझे अभी मालूम भी नहीं मेरे पास कितने सारे बैंक अकाउंट हैं। उसको काउंट करूँ तो मेरे ख्याल से 30+ होंगे, बट उस सभी को मैं यूज नहीं करता हूँ। सिंपल भाषा में मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, अपने लिए अपने पर्सनल के लिए सिर्फ एक या दो ही अकाउंट यूज करता हूँ, लेकिन जितने सारे बैंक अकाउंट है उसको सिर्फ आप लोगों को वीडियोज बनाने के लिए और समझाने के लिए, बताने के लिए और उसका फीचर्स डिटेल कंफर्म करने के लिए आप लोग को वीडियोस बनाने के लिए खुलवाया हूँ, ना कि मेरे यूज के लिए। तो दोस्तों, चलिए, आप लोग मेरे इस वीडियो से आप लोग ये तो समझ चुके होंगे कि मैं इतना सारा बैंक अकाउंट क्यों ओपन कर रहा हूँ और क्यों इतना बैंक अकाउंट ओपन करवाता हूँ। तो सिंपल सा बात है, मैं वीडियोस बनाने के लिए इतना सारा बैंक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ और अपने पर्सनल यूज के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट है। तो वीडियोस बनाने के लिए मैं इतने सारे बैंक अकाउंट को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए, नया अकाउंट आ चुका है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। आप लोगों को दिखाऊंगा इसका फीचर्स और बेनिफिट्स, और इसका पासबुक मुझे मिल गया है और इसका डेबिट कार्ड भी मुझे मिल गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को पूरा डिटेल में अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोग को उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए, बिल्कुल शुरू करते हैं और आप सभी को ले चलते हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। दोस्तों, देखिए, मेरे पास आ चुका है पीएनबी बैंक का एटीएम कार्ड और इसके नीचे पासबुक, जो कि देखिए मैं पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच विजिट करके ये दोनों मतलब लिया हुआ है, क्योंकि ये ब्रांच विजिट करके ही आपको मिलता है। आपको कोई भी कम्युनिकेशन एड्रेस पे डिलीवर नहीं किया जाता है, जो कि आप ब्रांच विजिट करेंगे तभी आपको मिलता है। तो मैंने फाइनली ब्रांच विजिट करके दोनों को ले लिया है। तो अभी मैं आपको इस डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में जो डेबिट कार्ड मिलते हैं, कैसे डेबिट कार्ड मिलते हैं देखने के लिए। तो चलिए, इस पैक को जरा ओपन करेंगे, इस पैकिंग को, और यहाँ से इस रैप को ओपन कर देंगे। चलिए, बहुत ही ईजी ओपन हो जाता है इस बैंक का डेबिट कार्ड का रैप, जो कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक का बहुत ही गट टेप रहता है लगा के, बट इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है। देखिए, सिंपल सा है ये मतलब कवर जिसमें पैक है पीएनबी बैंक का डेबिट कार्ड्स, जो कि देखिए फर्स्ट में जहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे एटीएम कार्ड को रखने के लिए एक पीएनबी बैंक का कवर्स मिलता है, यानी कवर मिलता है। इसमें आप लोग एटीएम कार्ड को रख सकते हैं इजिली। तो चलिए, जरा इसको साइड रखेंगे, और यहाँ पे एक साइड में आपको जो मिलता है अलर्ट्स यहाँ पे लिखा गया है, और इसमें भी कुछ रीड करने का रहता है, तो आप लोग रीड कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर बैंक के एटीएम कार्ड में या डेबिट या क्रेडिट कार्ड में उसको चिपका के रहता है, बट इसमें इजीली बाहर ही दिया हुआ है। तो चलिए, इसको भी साइड रखेंगे, और यहाँ पे एक मैनुअल गाइड से, तो देखिए ये पीएनबी बैंक का रैप है और फर्स्ट में लिखा गया है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे हिंदी में है, बाजू में इंग्लिश में है। और आप लोग को दिखाएंगे मेरा डेबिट कार्ड कैसा देखने में लगता है। तो देखिए, ये डेबिट कार्ड कुछ इस प्रकार है, जो कि ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ आता है, और ये लोगो फर्स्ट में मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लगता है, खूबसूरत भी है। और बाजू में राइट साइड में देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जो है लिख के आता है, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में ही लिख के आता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में। तो ये मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे मेरे पास बैंक अकाउंट है, तो मैं ओनली गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में ही देखा है। तो देखिए, लुक वाइज बहुत ही अच्छा है डेबिट कार्ड्स, और इसमें यहाँ पे चिप है, और मिडिल में जो दिया गया है आप लोग को वाईफाई का सिंबल, ये इसको हम लोग बोलते हैं एनएफसी, जो कि आप लोग इसके माध्यम से विदाउट ओटीपी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, और इसमें जो लुक दिया गया है इस डेबिट कार्ड का, यहाँ पे बस का लुक है, जो कि बहुत ही और अच्छा अट्रेक्टिव बनाता है इस डेबिट कार्ड को। और ये डेबिट कार्ड प्रीपेड है, रुपए डेबिट कार्ड, जो कि आपके बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट है उसको ही आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग क्या ख्याल रहता है एटीएम कार्ड है तो उससे ज़्यादा भी अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड रहता है, वो विदाउट अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट रहे हुए भी
अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड है तो निकाल सकते हैं, बट अपने पास क्या है, डेबिट कार्ड है। डेबिट बोले तो आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वही निकाल सकते हैं, ना कि उससे ज्यादा। तो दोस्तों ये लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा है, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं इस अकाउंट को ब्रांच विजिट करके ओपन कर रहा है। तो दोस्तों मैं बैक साइड का कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बैक में आपका ये 16 डिजिट का नंबर्स रहता है जो कि डेबिट कार्ड नंबर, और उस पर एक्सपायरी डेट रहता है और CVV मेंशन रहता है। तो आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए उसको हाइड करके रखना ही चाहिए, जो कि मैं इसके लिए हाइड करके रखा है। तो आप लोगों को बैक साइड पोर्शन नहीं दिखा सकता, जो भी लुक है पूरा आप लोग सामने से देख के इजीली समझ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस डेबिट कार्ड को जरा साइड रखेंगे, और साइड रखने के बाद दोस्तों आप लोग को ये डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग दिखा दिया। जैसे कि मैंने बताया मेरे पास मेरे साथ में पासबुक भी है, तो चलिए जरा पासबुक को भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये है पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक, जो कि देखिए फर्स्ट में लिखा गया है बचत खाता पासबुक, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है सेविंग्स अकाउंट पासबुक, और बीच में जो है इसका लोगो है PNB बैंक। तो बहुत ही अच्छा बैंक है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है और ये नंबर वन बैंक में आता है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सब बहुत ही नंबर वन पे है। तो सेम वो लिस्ट में इसका भी नाम आता है जो कि PNB बैंक है। तो चलिए जरा इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ आपका डिटेल्स रहता है, इसको आप लोग हाइड करके रखेंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स रहता है, इसको हाइड करके रखें ना किसी को दिखाए। तो आपको यहाँ पे जो पासबुक है, यहाँ पे मैंने फोटो नहीं चिपकाया, इस पर फोटो भी चिपकाना रहता है आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए मेरे बैंक का मोहर भी लगा हुआ है, तो इससे आप लोगों का ये जो पासबुक है वैलिड है, अगर मोहर नहीं है तो वैलिड नहीं है। तो चलिए जरा इस थोड़ा पेज को ओपन करेंगे हम, और बैक साइड में देखिए बहुत ही अच्छा एक बात लिखा गया है, हम जहाँ हमारा बैंक वहाँ। तो ये बात सही है, अब मोबाइल बैंकिंग जो आ गया है, आप कहीं भी रहिए आप कहीं से भी किसी को भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी अमाउंट ही नहीं बहुत ऐसे काम है जो कर सकते हैं आप लोग मोबाइल बैंकिंग से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ट्रांसफर, UPI, बिल पे, एम पासबुक, बिल्स, रिचार्ज, सर्विस, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ है PNB बैंक का ATM कार्ड्स और पासबुक जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये मुझे डेबिट कार्ड जितना बार देख रहा मुझे देखने का मन ही कर रहा है, क्योंकि ये डेबिट कार्ड बहुत ही अट्रैक्टिव है, मुझे देखने का बहुत बार मन कर रहा है इसको। तो चलो जरिए एक बार इधर निकालेंगे आप लोगों को, और इसका कुछ डिटेल्स में फीचर्स जानेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है जो कि मिनिमम कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन, आप लोग PNB बैंक के ATM मशीन से जब अमाउंट निकालेंगे 20,000 ही निकाल पाएंगे, यानी 20,000 रुपये ही निकालेंगे, और अदर बैंक यानी अदर अकाउंट ATM से निकालेंगे आप लोग अमाउंट, तो आप लोग 10,000 निकाल सकते हैं पर डे। दूसरा नंबर क्या है, कॉन्टेक्टलेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इस डेबिट कार्ड में जो ये NFC का सपोर्ट है, जो वाईफाई का सपोर्ट है, इसको बोलते हैं NFC, तो उसी से आप लोग इसके माध्यम से क्या करेंगे, आप लोग 5,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं बिना किसी OTP के। तो दोस्तों ये बहुत फीचर्स अच्छा है। और उसके बाद इसका चार्जेस मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को चार्जेस तो कहीं मालूम नहीं हो रहा है, बट चलिए मैं दूसरे वीडियोस में कवर कर दूंगा इसका चार्जेस कितने हैं। बट मेरे ख्याल से इसका चार्जेस 200 के अराउंड ही होगा GST ऐड करके, उससे तो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। तो चलिए यही कुछ था इस पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड और पासबुक, आप लोगों को सामने अनबॉक्सिंग वीडियो करके दिखाया। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करेगा, और मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करेगा। चलिए आज का वीडियो बस इतना, हम फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।